नमस्कार दोस्तों, हम आपके साथ अपने चैनल आरपी पब्लिक स्कूल के साथ में, और आज इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर धनतेरस की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे विद्यालय में आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर में एक नए ऑफिस का निर्माण हुआ है, और आज इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय के सारा जो स्टाफ है, सभी अध्यापक और अध्यापिकाएँ हैं, वो आज अपने शुभ चरण इस ऑफिस के अंदर प्रवेश करते हुए इस प्रवेश का अवलोकन आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा स्टाफ हमारा बड़े खुश है, और एक बार फिर से इस चैनल को देखने वाले सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बारी बारी से सभी टीचर इस नए ऑफिस में प्रवेश करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे से ये ऑफिस बनाया गया है। हम बता दें आपके लिए कि पहले ये हमारा जो ऑफिस था पुराना, थोड़ा कंजेस्टेड था, छोटा था, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ठीक से बैठ नहीं पाते थे, और जो बच्चों का रिकॉर्ड वगैरह था वो ठीक से हम उसमें नहीं रख पाते थे। इसी वजह से हमारे विद्यालय के जो प्रबंधक साहब हैं माननीय श्री राजीव प्रजापति सर, उन्होंने बहुत ही अच्छा पैसा लगाकर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ऑफिस को बनवाया है। तो आज हम देखेंगे इस चैनल के माध्यम से, आपको भी दिखाएंगे कि हमारे विद्यालय में कितना सुंदर और कितना मजबूत और बहुत अच्छी अच्छी अलमारियां हम लोगों ने बनवाई हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं। सभी गृह प्रवेश करते हैं, लेकिन हम ऑफिस प्रवेश करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल मैम आगे आएंगी, और इसके पीछे पीछे सारे जो हमारे माननीय अध्यापकगण हैं प्रवेश करेंगे। महिला टीचर सारे आइए प्रवेश करते हुए हमारी प्रिंसिपल साहब। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको आज कैसा लग रहा है, अपना थोड़ा परिचय दें और इस दफ्तर के बारे में, ऑफिस के बारे में कुछ नए शब्द बताएं। हेलो, मेरा नाम नीमा मौर्य है, मैं सीवीगंज से आती हूँ। आज हमें बहुत खुशी हो रही है अपने नए ऑफिस में प्रवेश करते हुए। ये बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही बड़ा है, इसमें सब कुछ है, बहुत ही सुंदर। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। हम तो बताइए, आप इधर आ जाइए मैम, आप चाहें तो बैठ सकती हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा मैम, आपको आज कैसा लग रहा है और हमारे इस नए दफ्तर के बारे में आप भी दो शब्द इस चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राखी यादव है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये ऑफिस बहुत ही अच्छा है, और मैं इसके बारे में दो लाइनें कहना चाहूँगी। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुल सीता, ऑफिस तो बहुत है पर आरपी पब्लिक जैसा कहाँ। ओके, थैंक यू। बहुत ही सुंदर। देखिए मैम ने शायरी के माध्यम से हमारे दफ्तर की जो खूबियाँ हैं वो बताई हैं। आप हमारे सामने एक और हमारी मैम, बहुत ही कर्मठ और समय से आने वाली मिस गरिमा मैम, आपका स्वागत है इस ऑफिस में। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा अपना थोड़ा परिचय, और आपको आज इस दफ्तर में प्रवेश करते हुए कैसा लग रहा है, इसके तो कुछ इसके बाद कुछ बताएं। थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो, देखिए मेरा नाम गरिमा शर्मा है, मैं बरेली से आती हूँ। मैं यहाँ पे इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। देखिए, हमारे ये जो स्कूल में अभी नया ऑफिस बना है, पुराना स्कूल सर ने बताया थोड़ा छोटा था, ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अलमारियाँ बनी हुई हैं, और जिनमें बच्चों का अच्छे से रिकॉर्ड रखा जा सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर बात है। और अब एक खास हस्ती हमारे बीच पधार रही है नए दफ्तर में, श्रीमती विनीता प्रजापति जी, मिस मैनेजर कह सकते हैं हम आपके लिए। मैं आपको भी आपका यहाँ स्वागत करता हूँ, और आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपको इस नए दफ्तर में कैसा लग रहा है, आप भी इस दफ्तर की कुछ खूबियाँ बताएँ। मेरा नाम विनीता प्रजापति है, मैं जोगीठहर में रहती हूँ और यहाँ का मैनेजमेंट देखती हूँ। हमारा ऑफिस जो है बहुत ही सुंदर और बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं जिसमें गार्जियन लोग बैठते हैं। बहुत ही सुंदर। अभी हम पूरा ऑफिस आपको दिखाएंगे इस कैमरे के माध्यम से। पहले हम अपने सभी स्टाफ से थोड़ा परिचय जान लें, थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लें, उसके बाद आइए मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी शर्मा है, और ये ऑफिस काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू। बहुत ही सुंदर। और अब हमारे बीच आ रही हैं ऐसी हस्ती जिनका
चैनल भी चलता है हिंदी का, और हिंदी लवर्स आप चाहे देख सकते हैं सर्च करके, आपको कोई जानकारी चाहिए तो। अब मैं चाहूँगा आपसे कि आप भी हमारे इस दफ्तर में प्रवेश करते हुए आपको खुशी लग रही है, आपके चेहरे पे स्माइल है, और हमें अंदाज़ा है कि आप कुछ अच्छा बताएंगी, बहुत अच्छा बताना सभी लोग कर्मठ हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं कर्मचारी नगर बरेली से आती हूँ। जैसा अभी सर ने बताया, हमने भी एक छोटी सी शुरुआत करी है, जैसे सर बोल रहे थे हमारा एक चैनल है, तो सभी बच्चों के लिए और सभी के लिए, बट वो इतना महत्व नहीं है जितना यह है कि आज हमने पहली बार अपने विद्यालय के नए ऑफिस में प्रवेश किया है, और जो हमारा पुराना ऑफिस था उसमें बहुत सारी कुछ कमियां थी, तो सर ने उस चीज़ को दूर करने के लिए एक नया ऑफिस बनाया है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं गार्जियंस के लिए, बच्चों के लिए, जिससे उनका भविष्य और उनका निर्माण जो है उन करने वाले कागजों को संभाल के रखा जा सके। इसी के बाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अब मैं आपका भी इस ऑफिस में प्रवेश स्वागत करता है। आप अपना परिचय और दफ्तर के बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रचना कश्यप है और मैं जोगीठेर से आती हूँ, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगी हर चीज़ में प्रोग्रेस जो है टाइम के साथ होती रहनी चाहिए, तो वैसे ही हमारे स्कूल में भी एक नई प्रोग्रेस हुई है, एक नया ऑफिस बना है, बहुत ही बेहतरीन ये बना हुआ है, काफ़ी अच्छा इसमें सब मैनेजमेंट किया हुआ है ताकि बच्चे भी अपने आराम से उनका रिकॉर्ड भी तैयार करा जा सके, जितने भी गार्जियंस हैं आराम से बैठ सकें, हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्था से रखी गई है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सारी बातें बताते हुए हमारे जो स्टाफ है बहुत बेहतरीन तरीके से हमें परिचय भी दे रहे हैं आपके लिए, और विद्यालय के बारे में, विद्यालय की जो खूबियाँ हैं, जहाँ की क्वालिटीज़ हैं वो बता रहे हैं। नेक्स्ट मैं चाहूँगा आपका भी स्वागत करते हैं, आपका बहुत स्वागत है, और आप भी प्रवेश कीजिए दफ्तर में, आपका स्वागत है इस नए दफ्तर में, और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप कुछ शब्द इस दफ्तर के बारे में कहें। मेरा नाम रजनी राजपूत है और यहाँ पे सर ने बहुत ही सुंदर ऑफिस बनवाया है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का सामान रखा है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस दफ्तर में, आप भी अपना थोड़ा परिचय दें और इस दफ्तर के बारे में, विद्यालय के बारे में कुछ बच्चों को बताएं चैनल के माध्यम से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता गंगवार है और मैं आर्ट पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर की टीचर हूँ। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत सुंदर। इसी क्रम में एक और अध्यापिका हमारे विद्यालय में प्रवेश करती हुई दफ्तर में, आपको मैम कैसा लग रहा है, अपना परिचय दें और विद्यालय के बारे में, इस नए दफ्तर के बारे में कुछ शब्द बोलें। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शीतल गंगवार है, मैं इसी क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुर गौटिया से आती हूँ। यहाँ सर ने बहुत ही अच्छा ऑफिस बनवाया है, इसे देखकर बहुत खुशी हो रही है, और इसमें सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से तैयार किए जा रहे हैं और सुरक्षित रखे भी जा रहे हैं, और हम सारा स्टाफ भी इसमें बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं और बहुत अच्छे से बैठ के अपना कार्य भी करते हैं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इस नए दफ्तर में, आप आगे आइए, अपना परिचय दीजिए, आप भी अपने शब्दों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं, इस चैनल को देखने वाले हैं, उनको इस दफ्तर के बारे में, विद्यालय के बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रियंका गंगवार हूँ, मैं प्रेमपुर गौटिया से आती हूँ, और पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये कहूँगी कि धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारा ऑफिस बहुत बढ़िया है, सर ने बहुत अच्छा बनवाया है, और मैं दो लाइनें सुनाना चाहती हूँ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, अगर दम हो तो जिए ऐसो की मिसाल बन जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शायरी के साथ मैम ने बहुत कुछ कह दिया हमारे विद्यालय के और ऑफिस के बारे में, हमारे मैनेजर साहब के बारे में। अब मैं आपका भी बहुत स्वागत है मैम, आइए अपना थोड़ा परिचय दीजिए और अपने शब्दों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के विद्यालय के बारे में और नए ऑफिस के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम शिखा राठौर है और मैंने इसी बार स्कूल ज्वाइन किया है, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और सर ने नया ऑफिस बनवाया है जो कि बहुत अच्छा है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी अलमारियाँ हैं, बच्चों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है, बस थैंक यू। बहुत सुंदर। अब हमारे विद्यालय में जेंट्स स्टाफ यानी जेंट्स टीचर जो हैं बहुत ही कर्मठ जुझारू और अपने अपने विषय के महारथी कहे जाने वाले इस नए दफ्तर में अपना पदार्पण कर रहे हैं, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बारी बारी से आइए, अपना परिचय दीजिए इस नए विद्यालय के ऑफिस के बारे में और यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ शब्द बोलते जाइए और अपना आसन ग्रहण करते जाइए। आइए सर, आपका स्वागत है। मेरा नाम हरिवंश शर्मा है और मैं मणिनाथ से आता हूँ, यहाँ पर मैथ का शिक्षण कार्य करता हूँ और
यहाँ पर करीब मुझे 2-2.5 साल हो गया है काम करते हुए, पढ़ाते हुए, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम होता है। बिल्कुल जो है कह दिया जाता है उतना काम यहाँ पर करा देते हैं सर, यहाँ पर जो भी हैं। तो यहाँ पर बहुत ही जो है, यहाँ पर ऑफिस बना है, तो इस ऑफिस में हम लोगों ने आज यहाँ पर प्रवेश किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको, क्योंकि यहाँ पर जो बात बताई जाती है वो बिल्कुल ही यहाँ पर निश्चित की जाती है। और आज यहाँ पर ऑफिस में जब हम आए तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, सर ने एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ऑफिस बनाया है, जिसमें बच्चों की मार्कशीट या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑफिस है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सर ने बातें बताई, आपका बहुत स्वागत है सर। आइए सर, आप भी अपना परिचय और विद्यालय के बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन, मैं भाजीव जागीर से आता हूँ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर टीचर हूँ, मुझे यहाँ पे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए आया हूँ। मैं बीसीए पास हूँ। यहाँ पे सर ने ये ऑफिस का उद्घाटन यहाँ पे किया है और बहुत ही अच्छा ऑफिस है। अलवारी भी है यहाँ, बहुत मजबूत तरीके से बनाई है और यहाँ बच्चों के रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षित हैं। और मैं बहुत से स्कूल में गया हूँ, वहाँ पे मैंने ऐसा ऑफिस नहीं देखा है, ना ऐसी अलवारी देखी है मजबूत तरीके से। बहुत ही छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, डॉक्यूमेंट भी इधर उधर पड़े रहते हैं। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी अलवारी हैं, यहाँ पे सुरक्षित डॉक्यूमेंट रहेंगे, किसी भी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट इधर से उधर नहीं होगा। सर जी का बहुत ही अच्छा काम करा यहाँ पे ऑफिस का करवाया है। और ऐसा नहीं है कि सर काम जो कुछ करवाते हैं बहुत ही बेहतरीन करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे करा देते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा काम लगा सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की भी शुभकामनाएं इन एडवांस में। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अब मैं आपको ऐसी शख्सियत से परिचय कराता हूं जिनका इस विद्यालय की तरक्की में, प्रोग्रेस में काफ़ी योगदान रहा है। काफ़ी समय से सर यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और आपका बहुत स्वागत है सर। इस चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप हमारे विद्यालय के एक तरह से नींव कहे जाने वाले हैं। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप अपना परिचय अपने आप से, अपने मुँह से, क्योंकि मैं आपके बारे में बता नहीं सकता, आपके अंदर इतना कुछ है और आप विद्यालय की खूबियों के बारे में और इस नए दफ्तर के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार और मैं सीबीवन से आता हूँ। यहाँ मैथ साइंस बहुत पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और इस ऑफिस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के रिकॉर्ड संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर ने बहुत अच्छा ऑफिस ही बनवाया है, ताकि भविष्य में अगर बच्चे को किसी भी अपने पढ़ाई से संबंधित डॉक्यूमेंट की कभी भी आवश्यकता हो तो वो अच्छी तरह से यहाँ से प्राप्त कर सके, उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना वो आगे कुछ नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था की गई है, यहाँ पर बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ, बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर चीज़ों को इतना ध्यान से नहीं देखा जाता है, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स के बारे में इतनी चिंता नहीं की जाती है। बच्चे जब अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आते हैं तो उन्हें टालम टोल कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल निश्चित तौर से जो बात कही जाती है वो करके दिखाई जाती है। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पढ़ता है या पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उन्हें भविष्य की किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट से संबंधित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा ये ऑफिस है, मैं यही चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस विद्यालय में नाम लिखवाए, पढ़े। बहुत ही सुंदर। बैठिए सर, आप बैठिए कुर्सी पर। आइए सर, आपका बहुत स्वागत है और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना परिचय दें और इस विद्यालय के ऑफिस के बारे में कुछ बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है, मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ और मुझे इस स्कूल से जुड़े हुए लगभग 10 साल हो गए। मेरे सामने सर ने जैसा भी बोला है पहले से हमेशा वैसा ही हुआ है। सर ने बोला था यहाँ, जब से स्कूल बनाया सबसे पहले बोला था यहाँ फ़ैन लगेंगे, अब यहाँ पर 4-4 हर रूम में फ़ैन भी लग गए। कंप्यूटर लैब बोला था वो भी बन गई और ये आज नया ऑफिस भी बन गया जिसमें आज इसमें गृह प्रवेश हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा ऑफिस बना हुआ है। बहुत ही सुंदर, आपका बहुत स्वागत है सर। आइए सर, आइए सर, आपका स्वागत है सर। आप इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को इस ऑफिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी को फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस समय फेस्टिवल जो त्यौहार है आपका वो चल रहा है, आज ही धनतेरस है और इसी शुभ अवसर पर हमारे जो स्कूल है उसमें हमारे ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, मतलब नया ऑफिस बना गया है। और इस ऑफिस की खासियत अगर की बात की जाए तो
तो खासियत में आप देखेंगे ये सामने की, हमारे सर दिखाएंगे जरा, ये सामने की ओर देख रहे हैं आप, कितनी बढ़िया अलमारी रखी हुई है। मतलब हर ऑफिस में ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपको ऑफिस देखे होंगे आपने, एक या दो रख देते हैं अलमारी, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इसमें अलमारी के हर एक चीज़, डॉक्यूमेंट्स आपकी एनसी से लेकर जो भी बच्चे यहाँ तक पढ़ते हैं उनकी सब, एक लॉक भी है यहाँ पर देखिए पड़ा हुआ, और लॉक के जरिए से इसमें चीज़ें सुरक्षित हैं। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका इधर से उधर नहीं होता है, मतलब जो काम है वो एकदम ओरिजिनल है, कोई भी फेर बदल इसमें नहीं है। तो मैं तो यही कहा जाऊँगा, ये ऑफिस की तरह यहाँ के टीचर भी वैसी हैं जो बोला जाता है, और पढ़ाने के मामले में भी टीचर एकदम नंबर वन है। अगर आपको विश्वास नहीं तो एक बार सिर्फ एडमिशन के तौर पर नहीं, आप डेमो के तौर पर 5 से 10 दिन के लिए अपने बच्चों को भेजिए और खुद भी आकर देखिए क्या ओरिजिनल है पढ़ाई, क्या ऑफिस है ओरिजिनल, तब आपको हकीकत का सामना करना पड़ेगा। और जब आपकी समझ में आएगा तो आपका स्वागत है हमारे स्कूल में, और आप अपने बच्चों का एडमिशन भी करा सकते हैं। इसी के माध्यम से मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा, जो आप पढ़ाई करते हो जैसे बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई तो सभी कराते हैं भाई, पैसा सभी के माँ बाप खर्च करते हैं, लेकिन शिक्षा उस प्रकार की नहीं मिल पाती। तो आपको भी यही चाहिए कि हमारा बच्चा भविष्य में कुछ करे, क्योंकि गरीब रहना जरूरी नहीं है कि गरीब ही रहे इंसान, शिक्षा के माध्यम से वो बहुत ही अमीर बन सकता है, लेकिन अमीर तभी बनेगा जब उसके पास शिक्षा अच्छी होगी। तो इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ, थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपने इस विद्यालय के बारे में बातें बताई सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत, आइए सर और अपना परिचय दीजिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं इस दफ्तर के लिए, इस विद्यालय के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत कुमार फ्रॉम बरेली। मैं यहाँ पर अरबी पब्लिक स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इस ऑफिस में प्रवेश करते हुए, और जो कि बहुत बड़ा है, और हर ऑफ स्कूल की एक नीड होती है, बेसिक नीड होती है, एक सुरक्षित और महफूज जगह जिसमें बच्चों का रिकॉर्ड और सारी व्यवस्थाओं को एकत्रित करके रखा जा सके। तो मैं इस ऑफिस के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया है, और बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छे विचार आपने रखे। अब हम स्वागत करते हैं जी शख्सियत का, जिनके बलबूते पर, जिनके माध्यम से ये सुंदर ऑफिस आप इस कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस विद्यालय के मैनेजर साहब माननीय श्री राजू प्रजापति सर, आपका बहुत स्वागत है सर हमारे इस चैनल में। और हम आपसे भी जो सबसे हमने कहा है वही आपसे कहना चाहेंगे, अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा और इस ऑफिस के बारे में, विद्यालय के बारे में आपके क्या विचार हैं बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे इंग्लिश के एक्सपर्ट सर महेंद्र राजपूत जी जो इस समय संचालन कर रहे हैं, आप बहुत ही योग्य हैं, और साथ ही साथ हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, काबिल तो हैं ही, और साथ ही साथ उनका जो व्यवहार है स्कूल के प्रति वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमारे परिवार के ही सदस्य हों, और ऐसा होना भी चाहिए। तो कुछ भी बताने से पहले मैं सभी टीचर्स के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, और जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, क्योंकि शहर में भी हम पहले पढ़ाते थे तो वो बच्चे भी देख रहे होंगे, तमाम जितने भी दर्शक हैं इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, और क्षेत्रवासियों के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए, सभी के लिए इस फेस्टिवल दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल दी ऑन लुकर्स, माने जो भी मुझे देख रहे हैं सभी के लिए हैप्पी दिवाली। और ये जो हमारा ऑफिस है, इस ऑफिस के लिए मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि हमारे यहाँ जो ऑफिस बनेगा वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें साथ नहीं दे रही थी। पहले हमने जो है छोटा वाला ऑफिस बनाया जीने के नीचे, फिर हमने ये सोचा कि हम जब भी ऑफिस बनाएंगे बेहतरीन बनाएंगे। इससे पहले हमारी जो प्लानिंग थी कि हम एक अपने विद्यालय में कंप्यूटर लैब बनवाएंगे, तो हमने जो कंप्यूटर लैब बनवाई है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, जिसमें इस समय 35 से ज़्यादा कंप्यूटर हैं, और बच्चे लगातार डेली सीखते हैं।
जब हमने कंप्यूटर लैब बनवाई थी तो शुरू शुरू में कुछ लोगों ने कहा था कि अरे राजू सर ने कंप्यूटर लैब बनवा दी, कुछ समय के लिए चलवाएंगे और इसके बाद में जो है कंप्यूटर लैब बंद कर देंगे। लेकिन यही हमारे विद्यालय की खासियत है, यही मेरी खासियत है। हम मेरी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होता, जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल हकीकत बन के सामने आता है। आज जिन जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उन बच्चों से आप पूछेंगे कि आप डेली कंप्यूटर 35 मिनट सीखते हैं, तो वो तुरंत कहेंगे हाँ डेली हम 35 मिनट कंप्यूटर सीख रहे हैं। और इसी तरीके से लगातार सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे जैसे मतलब कोचिंग में बच्चा सीखता है, कोचिंग से भी अच्छा। आज आप अगर सेवन्थ क्लास के एट्थ क्लास के बच्चे से पूछेंगे कि बताओ कैसे कॉपी करेंगे, कैसे कॉपी कैसे पेस्ट करते हैं, कैसे आल सेलेक्ट करते हैं, वो तुरंत बता देगा कि ये की दबाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, टाइपिंग उन्हें आने लगी, पेंट का सारा उन्हें आ गया। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो अपने बच्चे का जो एडमिशन है बहुत ही सोच समझ के कराइएगा, क्योंकि माँ बाप के एक फैसले पे बच्चे का भविष्य डिपेंड होता है। अगर माँ बाप ने गलत स्कूल का चयन कर लिया, एक ऐसे खोखले स्कूल का चयन कर लिया, एक दिखावटी स्कूल का चयन कर लिया, एक सोई स्कूल का चयन कर लिया, तो कहीं ना कहीं किसी का नुकसान नहीं होगा, आपके बच्चे का नुकसान अवश्य हो जाएगा। हमारे स्कूल में जो भी काम होता है ठोस होता है, टिकाऊ होता है, बेमिसाल होता है। और इस बेमिसाल होने का जो सबसे बड़ा सबूत है, वो सबूत यह है कि पूरी की पूरी साल एक भी लेक्चर खाली नहीं जाता, इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है। अब हमने ये काफ़ी समय से मेरे दिमाग में चल रही था कि हम जो है ऑफिस बनवाएंगे जिसमें हमारे टीचर्स, हमारे गार्जियन, बच्चों का जो रिकॉर्ड है उसका अच्छे से रखरखाव हो सके। तो देखिए आज सभी क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से और टीचर्स के मार्गदर्शन से हमारा जो है ऑफिस बनके तैयार हो गया है। आप ये देखिए मैंने ये जो अलमारियां बनवाई हैं, ये जो अलमारियां हैं ये अपने आप में बेमिसाल हैं। ये देखिए ये दूसरी अलमारी है त्रिवेणी की, ये भी अलमारी है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूती के साथ बनवाया गया है। इसी तरीके से देखिए एक नहीं हमारे पास दो अलमारियां इस तरफ भी हैं, दो अलमारियां हमारे पास इस तरफ है। ये देखिए कितनी बेहतरीन और मजबूत अलमारियां हैं जिसमें इनमें बच्चों का रिकॉर्ड है। ये भी देखिए इसमें भी बच्चों का रिकॉर्ड है, तो कहीं भी किसी भी तरह का हमारे यहाँ दिखावटी या कोई भी बनावटी कोई भी छल कपट नहीं है। हम जो भी काम करते हैं ठोस करते हैं, ताकि बच्चे हमसे ये ना कह सके कि सर हम आपके यहाँ जिस उम्मीद से आए थे कहीं ना कहीं उसमें आप खरे नहीं उतरे। हमारे यहाँ काम भले धीरे हो लेकिन जो भी काम होता है वो बिल्कुल सॉलिड काम होता है। देखिए बच्चों का यूडाइस भरने के लिए, चूँकि गवर्नमेंट जो है बच्चों को अभी नेट पे चढ़वाती है, नेट पे फीडिंग हो रहे हैं, बच्चों का यूडाइस अच्छे से भर सके, तो हमने अलग से ये लैपटॉप की व्यवस्था की है। ये HP कंपनी का है और ये प्रिंटर भी है। इस तरीके से देखिए कहीं पर भी अगर एक्स्ट्रा रजिस्टर हैं तो ये स्लिप हैं, इसके नीचे भी स्लिप हैं, अब देखिए सामने भी स्लिप हैं, और लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था हमने की है। इस तरफ जो है इस ये जो है ये हमारी चेयर है और इसके पास में जो है हमारे प्रिंसिपल मैम की चेयर होगी, और यहाँ पर ये जो चेयर्स आप देख रहे हैं इसमें टीचर्स लोग जो है बैठते हैं, गार्जियन आके बैठते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने स्कूल की तारीफ कर रहा हूँ या अपने ऑफिस की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं पर भी बच्चों का भविष्य जो है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उस भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर हमें एडमिशन कराएं तो हम ये देख लें कि जो मैनेजर सर है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बातों में फेरबदल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरीके से हमारे बच्चे को आगे चल के परेशानी होगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर जो कहा जाएगा वही लास्ट तक होगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो ऑफिस है इसका हमने एक ओवरव्यू बताया। और जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन की बात है तो मेरा नाम राजू प्रजापति है और मैं इस विद्यालय का संचालक हूँ। संचालक क्या, मैं तो एक तरह से क्षेत्रवासियों का सेवक हूँ और हमारे जो टीचर्स हैं वो मुझे गाइड करते हैं कि सर आप ऐसा करिए, तो हम वैसा करते हैं। तो बाकी जो इस विद्यालय के जो नींव है, इस विद्यालय के जो पिलर हैं वो हमारे टीचर्स हैं। हम तो आप
लोग जैसी प्रेरणा देते हैं वैसी चलने का काम करते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं बिल्कुल स्पेशल तरीके से करते हैं, बढ़िया करते हैं। हमारे विद्यालय के चैनल भी हैं, जैसे एक चैनल का नाम है आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर, इस पर आप बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देख सकते हैं। दूसरा स्पेशल चैनल है इंग्लिश बाय राजू प्रजापति, इस पर TGT PGT और तमाम जो टफ इंग्लिश है उसकी वीडियो देखने के लिए मिलती है। अगला हमारा जो चैनल है आरपी न्यूज, द ट्रू न्यूज, वो स्टार्ट होने वाला है। हमारे विद्यालय से एक अखबार भी निकला करेगा, वो अभी मंथली अखबार निकलेगा। और प्यारे बच्चों देखिए, मैंने आपके लिए कंप्यूटर लैब बनवाई, इसके बाद में ये ऑफिस बनवाया। अब मैं आपसे एक बच्चों से, क्षेत्र के लोगों से एक प्रॉमिस और कर रहा हूँ कि अभी जो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो कैंटीन का होगा, और वो अपने आप में ऐसी कैंटीन होगी, उसमें बेमिसाल और बेहतरीन डिशेज होंगे बच्चों के लिए। मैंने जो भी चीज़ होगी ऐसे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मिलेंगी बच्चों के लिए, ताकि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए अच्छी सी एनर्जी प्राप्त हो और बच्चों को किसी भी प्रकार का लंच के लिए इधर उधर दिक्कत ना हो। तो आज इतना ही मैं बताना चाहूँगा। तो सभी लोगों के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए, सभी टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर बातें हमारे सर ने आप सबको बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने अभी तक अपना पर्चा खुद नहीं दिया है, सबका पर्चा लिया तो मुझे भी भाई जिम्मेदारी है कि मैं अपना पर्चा दे दूं, है कि नहीं। और तो मेरा नाम महेंद्र राजपूत है, मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मुझे भी लगभग 4-5 साल से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है विद्यालय में आकर, इस नए ऑफिस में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपने इसका पूरा ओवरव्यू देखा इस कैमरे के माध्यम से। अब इस विद्यालय के एक सज्जन का और परिचय आपसे कराने को रह गया है। आप यहाँ पर नेट से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित सारा काम देखते हैं, तो आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आप बहुत बिजी थे तो आपका भी यहाँ पर परिचय होना आवश्यक था चैनल के माध्यम से। मैं आपसे भी चाहूँगा अपना परिचय दीजिए और विद्यालय के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस ऑफिस के बारे में सभी लोगों ने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस ऑफिस को देखना चाहते हैं तो एक बार स्कूल में आके विजिट करें, और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत ही सुंदर। देखिए हमारे यहाँ विद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपका स्वागत फिर से एक बार। और एक बार फिर से सभी दर्शकों के लिए इस चैनल के माध्यम से इस पावन पर्व धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाइयाँ। अब हम विद्यालय की तरफ से हमारे मैनेजर साहब सभी टीचर्स को बधाई देते हुए, मिष्ठान वितरण करते हुए आपको दिखाते हैं। बहुत ही खुशी का पल है, बहुत ही खुशी का माहौल है। एक एक करके सभी लोग निकलते जाएंगे और सर के कर कमलों से दिवाली के शुभ पावन पर्व पर हमारे विद्यालय के मैनेजर साहब सभी टीचर्स को बधाई देते हुए मिष्ठान के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। आपके लिए भी विद फैमिली, आपके लिए मैम। आइए आइए, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। थैंक यू, सभी को दिवाली घर से शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। सभी के चेहरे पे स्माइल, बहुत ही प्रसन्न है सभी लोग, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। थैंक यू मैम। आइए मैम, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू, आइए सर, आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सर, आशिक अली सर, बहुत बहुत बधाइयां सर आपके लिए दिवाली की।